दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं मनीष सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। दोस्तों, अभी जो वीडियो आप देखे हैं तो वो वीडियो दरअसल लिरिक्स के ऊपर ही है। जो लिरिक्स आप देखे हैं वो बर्ड्स जैसे फ्लाई करता है, मतलब पंख जैसे चलाता है, उस तरह से लिरिक्स आप देखे होंगे फ्लाई कर रहा था। ऊपर में टेक्स्ट भी था, पिक्चर भी था और पिक्चर पर भी फिक लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियो बनाना चाहे तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, मैं इसका प्रीसेट आपको दूंगा, बट एडिटिंग भी मैं पूरा करके दिखाऊंगा। कुछ लोगों को फुल एडिटिंग चाहिए होती है, कुछ लोगों को प्रीसेट चाहिए होती है, और मैं दोनों लोगों का ख्याल करता हूं। तो आप भी मेरा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए बोलिए। आप बोलिएगा तो आपके फ्रेंड जरूर करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे यार, मेडल करते हैं आपके नहीं करेंगे। तो चलिए हम एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। देन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए। 9/96 एसुस लेकर रेजोल्यूशन बेसस रखिए और फ्रेम रेट 60 या 30 रखते, बैकग्राउंड ब्लैक करके क्रिएट पर क्लिक कर लीजिएगा। देन बैकग्राउंड को हम व्हाइट कर लेते हैं, ब्लैक नहीं रखना था, व्हाइट रखना था, ठीक है। यहाँ से बैक आ जाएंगे, बैक आने का कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाइए। देन मीडियम जाने का फ्रेंड्स, जो भी फोटो पे एडिटिंग करना चाहते हैं, मतलब जो पिक्चर आप अपना यूज करना चाहते हैं एडिटिंग के लिए, वो पिक्चर को आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ पिक्चर है, मैं इसमें से ले लेता हूँ, तब तक के लिए इसी को ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बैक आएंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जूम वाले ऑप्शन पे जाकर इसे जूम कर लेंगे, जितना आप रखना चाहते हो उतना रख लीजिएगा। देन मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इस तरह से, और फोटो को यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट करके और मास्क ऑफ ग्रुप कर दे, तो फोटो कुछ इस तरह से आएगा। फोटो को हम सेंटर में ले लेंगे इस तरह से, यहाँ पे इतना पे सही रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए जितना भी आप रखना चाहें। तो मैं इसे इतना रहने देता हूँ। प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, ऑडियो में जाएंगे, जो भी ऑडियो पे स्टेटस बनाना चाहते हैं ले लीजिएगा। ऑडियो जितना टाइम तक आप स्टेटस बनाना चाहते हो उतना रखिएगा, जो एक्स्ट्रा होगा उसे कट कर दीजिएगा। ये वाले ग्रुप को सिलेक्ट कीजिएगा और ये वाले ऑप्शन टैप कर दीजिएगा, आपका ग्रुप आगे तक आ जाएगा। देन यहाँ पे आपको अब इसमें बॉर्डर दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ग्रुप को सिलेक्ट कर लीजिएगा, बॉर्डर शैडो में जाइएगा, ऐड बॉर्डर पे क्लिक कीजिए, कुछ इस तरह से आ जाएगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसका जो कलर है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसे ब्लैक कर लीजिएगा, ठीक है। और करने के बाद इसे, इसका साइज जो है इसे 0.9 कर दीजिएगा, आउटसाइड में दीजिएगा, ये देख सकते हैं, आउटसाइड पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद यहाँ से बैक आ जाइएगा, या शैडो जो शैडो पे क्लिक कीजिए, शैडो को भी इनेबल कर लीजिए, जो कुछ इस तरह से दिखेगा जैसे आप देख सकते हैं। और शैडो का साइज इसका 30 कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे 30, ये रहा 30। अब नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे पोजीशन देख सकते हो फ्रेंड्स, पोजीशन एक्स 5 कर दीजिएगा और वाई को यहाँ पे 7 कर दीजिएगा, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, ये रहा परफेक्ट, देख सकते हो कुछ इस तरह से दिखिएगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऊपर जो हम बॉर्डर दिए हैं तो आउटसाइड यहाँ पे दिए, आप देख लीजिएगा, आप जो भी रखना चाहे, इनसाइड भी आप रख सकते हो, जो कुछ इस तरह से दिखेगा। सेंटर रखिए तो इस तरह से दिखेगा और आउटसाइड रखिए तो कुछ इस तरह से दिखेगा, तो मुझे आउटसाइड ही सही लगा, मैं इसे रहने देता हूँ। लेकिन यहाँ से बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद स्टार्टिंग में जाएंगे, प्लस के क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाने के बाद 2-3 तो इमोजी ले लीजिएगा, जो भी आपको सही लगे, जो इमोजी जिस टाइप का सॉन्ग यूज कर रहे हैं उस टाइप का ही इमोजी ले लीजिएगा। तो चलिए मैं फर्स्ट ये ले लेता हूँ, फिर ये ले लेता हूँ, फिर ये ले लेता हूँ, और एक तो और ये फ्लाई, क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई ले लेता हूँ। अलाइनिंग करेंगे तो बॉटर में जाएंगे, आईओएस वाला फोन जो आता है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने बाद फ्रेंड्स, इसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, या फिर मेरे अकॉर्डिंग रखिएगा तो 24 रख लेते हैं। कलर पर क्लिक कीजिएगा और इसे ट्रांसफिंट कर लीजिए, देन राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से मूव करके इसे ऊपर की तरफ रख लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, एडिट लाइन के साथ में रखिएगा। यहाँ से बैक आएगा, बॉर्डर एंड शैडो में जाइए, शैडो को यहाँ पे इनेबल कर दीजिएगा, बस इतना ही। यहाँ से बैक आइएगा, इसे लास्ट तक करने के लिए लास्ट में ये वाले ऑप्शन टैप कर दीजिए, तो आपका शैडो जो है, सॉरी इमोजी, लास्ट तक आ गया, परफेक्ट। अब इस फोटो में हमें इफेक्ट देना है, बट सबसे पहले हम लिरिक्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फोटो में भी इफेक्ट देंगे। तो पहले स्टार्टिंग में आ जाइए, स्टार्टिंग में आने के बाद प्ले करके देख लीजिए फर्स्ट लिरिक्स का वर्ड क्या है। मैंने खुद को यहाँ तक आ रहे, तो सिंपली यहाँ पे आ जाते, और ये स्टार्ट हुआ था यहीं से, तो यहाँ पे आ जाते, प्लस के क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे मैंने खुद को, देन लाइन कर लेंगे, रोबोट में जाएंगे, व्यू ऑल में जाएंगे, और फ्रेंड्स 3 लाइन पे क्लिक करके इंपोर्ट फॉन्ट में जाएगा। फॉन्ट आपको गूगल से डाउनलोड कर लेना है, नाम मैं बता देता हूँ, तो सिलेक्ट ऑल करते हैं यहाँ पे और सिलेक्ट कर लेते हैं, जिस फाइल में मैंने रखा था उसे सिलेक्ट किया। इसका नाम फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, एली OOP है, ठीक है, देख लीजिए नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है। इस फॉन्ट को आपको गूगल पे सर्च करना है, इजीली मिल जाता है, इसलिए मैं इसका फॉन्ट आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा हूँ, मैं वही फॉन्ट आपको प्रोवाइड करूँगा जो नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये वाला फॉन्ट यहाँ पे देख सकते हैं, इसे सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसका कलर फ्रेंड्स यहाँ पे आप ब्लैक रख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से कलर मैं इसका ब्लैक कर देता हूँ। और साइज इसका जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 20 या 24 रख लीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, तो मैं 20 ही रहने देता हूँ, ठीक है। देन राइट क्लिक कर लेंगे, राइट क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से मूव करके इसे नीचे रख लीजिए, आप जहाँ पे रखना चाहते हैं, सेंटर में यहाँ पे रख लेते हो एकदम परफेक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे करते हैं। फिर यहाँ पे इसे जहाँ पे बीट लगाए वहाँ तक आ जाइएगा, और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे कट कर लीजिएगा, बराबर रखेंगे इस तरह से, और फिर इसी का एक तो डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से एक तो डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट वाले को सेलेक्ट करके एडिट में जाएंगे, जो लिखा उसे पहले क्लियर कर लेते हैं। करने के बाद यहाँ पे एक इमोजी ले लीजिएगा, जो भी इमोजी आप रखना चाहे रख लीजिए, मैं तब तक के लिए इसे रखता हूँ। और यहाँ पे लाइन करके, सॉरी फॉन्ट वाले में जाकर, आईओएस वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके कलर में जाकर इसका कलर यहाँ पे ट्रांसमिट कर देंगे, देन राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने बाद इसे अगर जूम करना चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग जूम करके और ऊपर इसे एडजस्ट कर लीजिए, सेंटर में एकदम राइट लाइन पर यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से।
अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में हम ई सेट देंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट पर जो ई सेट हमें देना है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ई सेट में जाना है, ऐड फील्ड में जाना है, यहाँ पे बेंड करके एक ई सेट मिलता है, हम सर्चिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेंड सर्च कीजिएगा, कुछ इस तरह से मिलेगा, इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिए, कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स पहले से ये बॉटम है तो इसे लेफ्ट कर दीजिएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। देन एंगल पे आइएगा और एंगल पे फर्स्ट में एक की लगा लीजिए, ठीक है। और की लगाने के बाद फ्रेंड्स इसे हम 10 कर देते हैं, ठीक है, प्लस में ही 10 कर लेते हैं, नहीं प्लस में 15 कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 15 ज़्यादा इसमें यूज होगा तो हम प्लस में 15 ही यूज़ कर लेते हैं पहले, प्लस में ये रहा 15, परफेक्ट। देन इसके लास्ट में आकर की यहाँ पे लगाइएगा। अब इसके बीचों बीच दरमियान में, एकदम दरमियान में बीचों बीच आ जाएगा और यहाँ पे भी एक की लगा लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें इस साइड में जो जगह बच गया उसमें 4 की लगाना, तो एकदम बराबर बराबर जगह पर लगाइएगा। जैसे एक यहाँ पे आ गया, फिर इतना दूरी पर एक आ गया, फिर एक इतना दूरी पर आ गया, और फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो हम इसे बराबर करेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते डिस्टेंस इसका सही नहीं मैच कर रहा है, तो इसे हम सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा इस साइड में करते हैं और फिर थोड़ा सा इधर को इसे करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा और जाएगा आगे, इसे कर लेते हैं, एकदम बराबर बराबर हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसे थोड़ा सा इस साइड में, अब देख लीजिए ये सब एकदम बराबर बराबर लग रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, इसे थोड़ा सा, परफेक्ट। फिर यहाँ पर इस बीच में हमें 4 लगाना है, ठीक है, तो एक यहाँ पर लगा लेते हैं, फिर से एक यहाँ पे लगा लेते हैं, फिर एक यहाँ पे लगा लेते हैं, और ये बीच में 1 लगा देते हैं। अब 11 यहाँ पे लग गया, जो कि एकदम मिनिमम बराबर बराबर में लगा है। अब फर्स्ट वाले में आ जाइएगा, ठीक है, फर्स्ट वाले पे आ जाइएगा। आने के बाद फ्रेंड्स फर्स्ट वाले एंगल को यहाँ पे आपको 0 कर देना है, ठीक है। ओह माइनस में चला गया, माइनस में नहीं, हमें एकदम 0 चाहिए, यहाँ पर 0 परफेक्ट 0 कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर इसके सेकेंड वाले पर जाइएगा, सेकेंड वाले को 24.9 कर देते हैं, 24.9 ये रहा। देन इसके नेक्स्ट वाले पे जाइएगा और इसे माइनस में 25 कर दीजिएगा, ठीक है, माइनस में 25 हम परफेक्ट रखेंगे, जो भी रखेंगे, ठीक है। फिर आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद यहाँ पे इसे 20 कर लीजिए प्लस में, ठीक है, 20 प्लस में ये रहा, ओह ये रहा परफेक्ट। देन इसके बाद वाले पे जाइएगा और इसे माइनस में 20 कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा और बस ये हो गया 20। देन इसके बाद वाले पे जाइएगा और ये 15 है ही, इसे रहने दीजिए, इसके बाद वाले पे जाइए और इसे माइनस में 15 कर लीजिए, माइनस में 15 ये थोड़ा सा यहाँ पे ये रहा 15। देन इसके बाद वाले पे जाइएगा और इसे 15 रहने दीजिए, फिर इसके बाद वाले पे जाइएगा और इसे माइनस में 15 कर लीजिए, ये रहा यहाँ पे देख सकते हो गया। देन इसके बाद आगे आइए और प्लस में इसे 10 कर दीजिए, ठीक है, 10 परफेक्टली 10 इसे हम रख लेंगे, थोड़ा सा एक पॉइंट ये रहा। देन लास्ट वाले पे जाएंगे और इसे माइनस में 10 कर लेंगे, परफेक्ट हो गया। देन नीचे आइएगा, स्टार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका 0 है, तो इसे 50 कर दीजिए, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, परफेक्ट 50 रखेंगे, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ नीचे आइएगा तो यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ बैंड टू ऑप साइड लिखा हुआ है, और नहीं बैंड टू सेम साइड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक ही साइड में दोनों फ्लाई करेगा, पंख एक ही साथ में चलता है, तो इस तरह से। देन नीचे आइएगा तो यहाँ पे ट्यून जो इसका आप देख सकते हैं 75 है ही, ट्यून टेल जो है 25 है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, हमारा काम इसका कंप्लीट हो गया, जो कि कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं फ्लाई कर रहा है इस तरह से, यहाँ पे पंख फड़फड़ा रहा है। अब ये दोनों को सिलेक्ट करके और इसका एक ग्रुप बना लीजिए, परफेक्ट यहाँ पे ग्रुप हो गया। अभी दोनों ग्रुप के बीच में आ जाइएगा, दरमियान एकदम बीच में, और मुंबई ट्रांसफॉर्म पे जाकर एक की यहाँ पे लगा लीजिए, फिर इस साइड में जाकर एक की लगाइए, फिर दूसरी साइड में भी एक की लगा लीजिए। दूसरी साइड वाला तो दिख रहा है तो पहले हम इसे ही ऊपर कर देते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, फिर इसके लास्ट में आएंगे और लास्ट में तो दिख नहीं रहे, तो इस की को ही थोड़ा इस तरह कर लेते हैं ताकि ये दिखे, और फिर इसे भी ऊपर की तरफ कर लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये की को उठाकर इस साइड में पूरा कर लीजिएगा, फिर ये दोनों के बीच में आकर कर्व पे जाइएगा और इसे पूरा यहाँ पे कर दीजिए, इस साइड को कर दीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी कर्व कीजिए, दूसरी साइड में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर्व कर दीजिए, इसे फ्लिप कर दीजिए, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अभी आप देखेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो फर्स्ट लेग्स तो हमारा कंप्लीट हुआ, सेकंड लेग्स के लिए क्या करना है, इसी को सेलेक्ट कर लेना है, ये वाली ऑप्शन टैप करना है, कॉपी लेयर कर लेना है, फिर यहाँ पे आ जाना, ये वाली ऑप्शन टैप करना है, पेस्ट लेयर कर लेना है। देन सेकंड लेग्स आपको प्ले करके सुन लेना है कि क्या है, दे दिया है तुझको, ये यहाँ तक आ रहा हल्का आगे जा रहा हल्का सा, तो यहाँ पे आएंगे इसे सेलेक्ट करेंगे, ड्यूरेशन पे क्लिक करके आगे खींच लेंगे। अब यहाँ पे जो लिरिक्स है उसे टाइप करना, तो इसे सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे और यहाँ पे जो लिखा है उसे क्लियर करेंगे,
ठीक है, और यहाँ पर टाइप करेंगे दे दिया है तुझको, परफेक्ट। अब ये दो लाइन में हो गया, तो इसे हम क्या करते हैं, लाइन को थोड़ा छोटा कर देंगे इस तरह से, ये पॉइंट को आगे खींच देंगे तो लाइन में एक ही लाइन में आ जाएगा, एक ही लाइन में हमारा रहना चाहिए। देन हम बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद देख लीजिए जो ग्रुप को हमने एडिट कर दिया था पहले, इसकी वजह से बैक आ गया इस तरह से, तो हम इसे खींच लेते हैं आगे तक और जहाँ तक की जाएगा वहाँ तक रखेंगे इस तरह से, फिर एक बार प्ले करके देख लेते हैं, परफेक्ट सही है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रहा है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो टेक्स्ट तो आप इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, देन इसके बाद आपको क्या करना है, ये ग्रुप पिक्चर वाला इसे सबसे ऊपर कर लीजिएगा, टेक्स्ट जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो इस ग्रुप को सबसे ऊपर कर लीजिएगा, पूरा एकदम ऊपर कर लीजिएगा, ठीक है। करने के बाद फ्रेंड्स इस पर आपको इफेक्ट देना है, तो इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, इफेक्ट में जाइएगा, ऐड फिट में जाइएगा, ड्राइंग एडिट में जाइएगा, यहाँ पे स्मूथ भी वाला आएगा, इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले रेडियस आपको दिख रहा है तो इसे 24 कर लीजिएगा, ठीक है 24 पूरा, ठीक है। देन इसके बाद तो 45 हैं ही, वाइट है, इस समय आपको कुछ नहीं करना है, परफेक्ट है, इसे हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है सब सही है, इसमें कुछ नहीं करना है। स्मूथ व्यू वॉल पर क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा, तो आप ये देख सकते हैं 3D टाइप का यहाँ पे दिख रहा है पिक्चर जो हमारा है, 3D टाइप का दिख रहा है ग्रुप जो है ये। अब ऐड इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, एक लास्ट इफेक्ट हम इस पर देंगे तो 3D में चले जाएगा, और यहाँ फ्लिप लेयर को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा जो कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी तो हमारा ग्रुप बहुत बड़ा है तो यहाँ पर सही से दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं ग्रुप को छोटा कर लेते हैं, ताकि ग्रुप हमारा छोटा रहेगा तो हम आसानी से इस पर एडिटिंग कर पाएंगे, तो इसे और छोटा करते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे हमारा जो ये ग्रुप है छोटा सा दिख रहा है, तो इसे सेलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे, फ्लिप लेयर पे जाएंगे, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एंगल में एक की बीच में लगा लेना है, मतलब दरमियान में एकदम बीचों बीच। पहले तो यहाँ पे एक बीट लगा, उस बीट को हम हटाते हैं, ठीक है ये बीट तो ऐसे हटेगा नहीं, रहने देते हैं फ्रेंड्स। तो एक की यहाँ पे लगा लेंगे स्टार्टिंग में, फिर यहाँ पे बीच में एक की लगा लीजिएगा दरमियान में, और फिर इसके लास्ट में जाकर एक की लगा लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस साइड वाले को 0.1 कर लीजिएगा, एक पॉइंट आगे, फिर बीच वाले पे आ जाइएगा, बीच वाले को आप 10.0 कर दीजिएगा, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया 10.0 ये रहा, फिर इस साइड में पूरा लास्ट में आ जाइएगा, और यहाँ पे भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा 0.1। तो ये अभी कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, जो फ्लाई ये भी कर रहा है, देख सकते हैं इस तरह से फ्लाई कर रहा है, जैसे पंख फड़फड़ा रहा हो उस टाइप का। अब यहाँ पे एक्सिस में आइएगा और स्टार्टिंग में जाकर एक की यहाँ पे लगाइएगा, और यहाँ पे की लगाने के बाद इसे 1x कर दीजिएगा, ठीक है 1x पूरा कर लेते हैं, और 1x31 था मैंने किया था, 1x31, ठीक है थोड़ा सा ये रहा, परफेक्ट ये हो गया। देन इसके लास्ट में जाइएगा एकदम लास्ट में, ठीक है लास्ट में एकदम से लास्ट में चले जाइएगा, और यहाँ पे की लगाइएगा, की लगाने के बाद इसे आपको ये कुछ नहीं करना है, इसे बस की लगाकर छोड़ दीजिए, 1 पॉइंट कर दीजिएगा, ठीक है 0.1 कर दीजिएगा, बस इतना ही। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो PV XY दोनों 0 है, रहने दीजिएगा, क्रॉप भी सही है, यहाँ पे इसे कुछ नहीं करना है, क्रॉप को कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस जो है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, इसे छोटा करना चाहते हो तो इस तरह से बढ़ा लीजिएगा, अगर ऐसे ही छोड़ना चाहते हो तो 0 तो यह है ही, पहले से रहने दीजिए, ठीक है। अब नीचे आइएगा तो शोल्ड यहाँ पे ऑफ है ही, ये सब ऑफ है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, ये सब सही है। यहाँ पे आपको यहाँ पे सिनेमेटिक साइन और स्पेक्ट्रम 30 सही है, और ये भी एमिट सही है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, ये सब सही है, ठीक है। इस समय कुछ नहीं करना, हमारी एडिटिंग जो फिनिश है। अब एक बार मैं बैक करके फिर से आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने इसे जूम आउट कर दिया था, तो अभी प्ले करके देखते हो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है परफेक्ट है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा एडिटिंग एकदम फिट है, इस तरह से देखने को आपको कुछ मिलेगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बस लिरिक्स आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैंने बीट लगाया था, इस बीट को हटाते हैं, तो इस तरह से आपको पूरा लिरिक्स कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड्स। कंप्लीट करने के बाद आप अगर कोई पार्टिकल वीडियो देना चाहे तो दे दीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। देन यूजर नेम वगैरह आप देना चाहे तो यहाँ पे यूजर नेम आप यहाँ पे दीजिएगा, ठीक है जहाँ तक टेक्स्ट आपका आ रहा है यहाँ पे आप यूजर नेम दीजिएगा, और फिर आप इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के ऊपर एरो पे क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिए, इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देख।